एक समय था जब स्त्रियों का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता था। उस दौर से लेकर आज के दौर तक जब स्त्रियां कमान संभाल रही हैं, सेना में दिख रही हैं, ये एक लंबी यात्रा है और बहुत कठिन यात्रा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने इस देश में स्त्री शिक्षा की राह खोली, खुद पर यातनाएं सहन की और आने वाली पीढ़ी को उनके सपनों को पूरा करने का अवसर दिया। हम बात कर रहे हैं देश की पहली शिक्षिका, पहले प्रिंसिपल सावित्रीबाई फुले की। आज का दौर है कि शिक्षण संस्थानों में अगर महिलाएं ना हो तो अटपटा लगता है, लेकिन हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि स्त्री शिक्षा को अच्छा नहीं समझा जाता था, शिक्षा के अधिकार से महिलाएं वंचित थीं। यह सही है कि आज भी स्थिति पूरी तरह बदली तो नहीं है, लेकिन कुछ तो बेहतर हुआ है। ऐसी स्थिति में जबकि स्त्रियों का घर से बाहर निकलना भी बहुत कठिन लगता हो, वहाँ पर कोई स्त्री शिक्षिका बन जाए यह बात ही कल्पना लगती है। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के प्रोत्साहन से, सहयोग से इस कल्पना को साकार कर दिया। लोग उनके दुस्साहस पर ताने कसते, उन पर गोबर फेंकते, लेकिन उन्होंने स्त्री शिक्षा का जो यज्ञ आरंभ किया, उसी यज्ञ का प्रतिफलन है कि लड़कियां पढ़ भी रही हैं और पढ़ा भी रही हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। और सबसे अच्छी बात है कि उनको मराठी कविता का, आधुनिक मराठी कविता का जनक भी माना जाता है। 1852 में इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था और इनके पिता का नाम खंडोजी था और माता का नाम लक्ष्मी था। विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था, जिनको हम ज्योति राव के नाम से भी जानते हैं। वही सावित्रीबाई के संरक्षक भी थे, गुरु भी थे और मार्गदर्शक भी थे। सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति के लिए कार्य करना और उनको शिक्षा दिलवाना था। जब वो स्कूलों में पढ़ाने जाती थी, अपने स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो वो अपने साथ 2 साड़ियाँ लेकर चलती थी। अब आप पूछेंगे 2 साड़ियाँ क्यों? वो इसलिए कि रास्ते में जब लोग कीचड़ और गोबर उन पर फेंका करते थे तो सावित्रीबाई फुले जो दूसरी साड़ी लेकर जाती थी वो उसको बदल देती थी स्कूल में जाकर, तो 2 साड़ियाँ लेकर वो चलती थी। 1854 में उनकी पुस्तक काव्य फुले प्रकाशित हुई थी और उन्होंने कई कविताएं लिखी और भाषणों के जरिए उन्होंने जो समाज में जो वंचित तबका था उसके लिए आवाज बुलंद की। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये दहेज मुक्त और बिना पंडित पुजारियों के विवाह संपन्न करवाने वाली संस्था थी। सावित्रीबाई फुले इस संस्था की सक्रिय कार्यकर्ता बनी और अपने दत्तक पुत्र यशवंत का विवाह भी उन्होंने इसी संस्था के तहत करवाया और पहला अंतरजातीय विवाह करवाया। भारतीय डाक ने सावित्रीबाई फुले पर 10 मार्च 1998 को एक डाक टिकट जारी किया था। 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम सावित्रीबाई
फुले विश्वविद्यालय किया गया और 3 जनवरी 2017 को तो मुगल ने सावित्रीबाई फुले पर उनकी 186वीं जयंती पर एक गूगल डूडल बनाया था। 28 नवंबर 1890 ज्योतिबा फुले के निधन के बाद सावित्रीबाई लगातार समाज सुधार के कार्यों से जुड़ी रही, लगातार काम करती रही। 1896 में जब पुणे में प्लेग भीषण अकाल हुआ था और उसके बाद प्लेग भी हुआ था, बहुत सारे बच्चे मर रहे थे, तो उस समय सावित्रीबाई फुले ने अपने बेटे यशवंत को बुलाकर एक अस्पताल खुलवाया और दिन रात वहां पे मरीजों की देखभाल करती रही वो। और 10 मार्च 1897 को खुद इस संक्रामक बीमारी की चपेट में आ गए और हमने उन्हें खो दिया। ये कहानी थी सावित्रीबाई फुले की, एक बहुत जरूरी कहानी थी जो कि कहनी बहुत जरूरी थी। ऐसी ही कहानियां और ऐसे ही इतिहास के पन्ने हम आपके लिए आगे भी खोलते रहेंगे। आपके पास अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो कृपया हमसे साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।